गाइस गुड आफ्टरनून। अभी 3 बजे हुए हैं, मेरा लंच करना बाकी। अभी लंच करने किचन में जा रही हूँ। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने आपको दिखाया ना, बारिश बहुत ज़्यादा है। आज भी खूब बारिश हो रही है, देखिए सुबह से बरस रहा है। अभी को मैंने स्कूल भी नहीं भेजा है। टुडे इज़ 28th of September और विवेक आज गए हैं गांधीनगर। सुबह में 3 बजे निकले थे, एक कोई सेमिनार या कुछ फेयर जैसा है फोटोग्राफी का, तो वो अटेंड करने गए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कल पेट में बहुत दर्द था, जिसके चलते प्रिशा विवेक तो डर भी गए थे सोनोग्राफी करवा लो, लेकिन मैंने कल डॉक्टर को दिखाया रात को, तो शी सेड नो नीड, ये थोड़ा गैस हो गया और कुछ नहीं है। तो मेरी मेडिसिन चल रही है। और खाने में ना आज विवेक नहीं थे, तो मैंने सब्जी बाहर से मंगवा ली है, चूरमे का लड्डू। यहाँ पे एक जगह पे एक काठियावाड़ी रेस्टोरेंट है, वहाँ मिलता है। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा काठियावाड़ी रेस्टोरेंट है, उसका नाम है सरोवर। वहाँ का खाना ले लो, स्वीट्स ले लो, सब बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने वहाँ से आज एक सब्जी मंगवाई है, वेज हांडी, वेज कढ़ाई या वेज हांडी, और चूरमा के लड्डू अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं चूरमे के लड्डू। नॉर्थ इंडियंस को शायद नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता था पहले, लेकिन गुजराती लोग, महाराष्ट्र लोगों को पता है गणपति का फेवरेट होता है। तो मैं उनको अभी भोग लगाने जा रही हूँ पहले, अभी अभी जस्ट जोमेटो वाला देखे गए, और फिर हम खाना खाने बैठेंगे। आज सिर्फ सब्जी रोटी और लड्डू है, शाम को दाल चावल बनाएंगे। पता है क्या, पति घर में नहीं होता ना, खाना भी ठीक से नहीं बनता घर में, ये सभी के साथ होता होगा। और आज प्रिशा मुझे कह रही थी, मम्मी आपका वेट लूज होने लगा है, मतलब मेरे सारे कपड़े मुझे ढीले होने लगे, प्रिशा को भी ढीले होने लगे उसके कपड़े। प्रिशा का भी वेट लूज हुआ है, उसका 10 kg लॉस किया है उसने। कोई स्पेशल डाइट नहीं, कुछ नहीं, बस ओवर ईटिंग्स बंद कर दिए हैं हम लोगों ने, एक बार पेट भर गया तो बस। और जंक फूड को थोड़ा कट ऑफ किया है, चाहे बाहर घूम के आ जाते वह जंक फूड नहीं खाते। तो कह रही थी, मम्मी आपका सारा खाना लगता है डबल चिन में ही लग रहा है जाके, डबल चिन बहुत हो गई है, कैसे कम करूँ इसे, आप लोग बताओ। मेरे ख्याल से फेशियल एक्सरसाइज होती है कुछ, वो मैं सर्च मारूंगी यूट्यूब पे, देन आई विल स्टार्ट। मैं आपको अभी लड्डू और सब्जी सब दिखाती हूँ, पापा को भोग लगा दूँ जरा, और फिर खाना खाने बैठूंगी अभी के साथ, प्रिशा की भी, मेरी भी, कई सारे ओकेजन से। देखिए मेरा बर्थडे भी आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, और दिवाली के बाद कहीं अगर हम बाहर गए तो भी थोड़ा शॉपिंग हो जाता है। तो स्टार्ट कर दीजिए, दिखाती हूँ आपको बाद में। ये कुछ एक चीज़ आई है, ओ गॉड नीचे गिर गया। ये पूमा पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे थे, तो मैंने पोमा की एक ये कैप ली है, मुझे शौक है, अभी को भी शौक है। एक ये टी शर्ट है मेरी, आपको आराम से दिखाऊंगी बाकी चीज़ें। और यहाँ पे है वेज हांडी, और ये देखिए ये रहे चूरमे के लड्डू। अभी तेरे हाथ से भोग लगाएगा। इस एक की कीमत 45 रुपीज़ है, लेकिन ये बहुत ही फेमस चीज़ है यहाँ की। ये देखो कुछ इस तरह का चूरमे का लड्डू रहता है। गेहूँ को पहले तला जाता है, गेहूं को ऐसे ऐसे करके ना बांध के फिर तलते हैं, उसके बाद उसका चूरा करते हैं, फिर लड्डू बनाते हैं। ये लड्डू बहुत हमारे गुजरात में फेमस है, और गणपति जी बहुत ज़्यादा प्रिय है गणपति के लड्डू ना। मैंने कुछ वेस्टर्न्स की शॉपिंग करी है, जनरली मेरे ज़्यादातर सूट आते हैं, साड़ी आती हैं, मैं अपने कुछ नहीं लेती। रात हो चुकी है, मैंने आपसे दोपहर के बाद कोई बात नहीं करी, सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको बताया ना मैं दोपहर में आराम करती हूँ, नहीं तो मेरे से शाम को इतनी भी ब्लॉगिंग नहीं होगी, कुछ ही नहीं होगा। मैंने ये एक टॉप लिया है, मैं दिखाती हूँ, आप मुझे सजेशन देना कैसा लग रहा है। मैंने बहुत टाइम के बाद अपने लिए जीन्स खरीदी है, टी शर्ट खरीदी है, बाकी मैंने बहुत टाइम से अपने लिए कुछ नहीं लिया था। तो ये एक टी शर्ट है जो कि यहाँ से ऐसे टाइट होती है, देखो ये ऐसे थोड़ी सी ना ऊंची टी शर्ट का आजकल फैशन चल रहा है। और ये वो वाली पैंट है जो वाइड लेग होती है ना, यहाँ पे थोड़ा सामान रखा है, सॉरी डोंट माइंड। ये वाइड लेग वो है जीन्स, अच्छी लग रही है क्या मेरे ऊपर, मेरा कैमरा टेढ़ा हो रहा है, कैसी लग रही है मेरे ऊपर? प्रिशा को तो अच्छा लगा। और एक मैंने ऑरेंज, बहुत सारे टी शर्ट्स मैंने अभी भी कुछ टी शर्ट्स और पैंट्स एड ऑन करे हैं मेरे कलेक्शन में, क्योंकि मेरे पास पैंट्स भी खत्म हो रहे थे, टी शर्ट भी। आई थिंक अच्छी लग रही है ना, अच्छा लग रहा है गाइज, आप देख के बताओ, कलर अच्छा लग रहा है ना। दिवाली की सफाइयां भी शुरू करनी है, बहुत लेट हो गया है। आज विवेक घर पे नहीं है, तो अभी मैगी खाने बोल रहा है, मैं म्यूजली खाऊंगी, म्यूजली विद मिल्क। मेरे पेट में बहुत दर्द था, कल लाइट फूड खाना है। और प्रिशा कुछ पास्ता बनाने वाली है अपने लिए, वो नहीं है तो विवेक नहीं होते तो ही मैगी बनती है, विवेक के सामने मैगी नहीं बन सकती, नहीं तो मार डालेंगे हमें, बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है। अच्छा लग रहा है क्या, आप बताना मुझे। दूसरी टी शर्ट ट्राई करने जा रही हूँ। बच्चों को जब मैं बाहर निकली ना, तो मुझे देख के अच्छा लगा इन्हें, क्योंकि इन लोगों को मैं वेस्टर्न में बहुत अच्छी लगती हूँ, पर मैं नवसारी में अपने सिटी में ज़रा कम ही पहनती हूँ। तो ये दोनों खुश हो गए थे देख के, बोलते बहुत अच्छी लग रही हो मम्मा आप। और एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करनी है, और हाँ प्रिशा का रिजल्ट अभी बाकी के सब्जेक्ट्स का बाकी है ना, जब आ जाएगा तो एक साथ अनाउंस करूँगी। तो अभी ने मुझे देखा ना जीन्स में और टी शर्ट में, तो कह रहा है मम्मी आप बहुत अच्छी लग रही हो। इन लोगों को मेरे पे वेस्टर्न बहुत अच्छा लगता है, पर मैं पहनती कम हूँ। और बाय द वे प्रिशा, जरा प्रिशा का थोड़ा वेट लूज हुआ है, मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगी आपको, समय आने पर बताऊँगी, क्योंकि बोलने वाले फिर बहुत कुछ बोल देते हैं। नेगेटिव ना बोले, बच्ची का हौसला बढ़ाएं।
देखो काफ़ी उसका डबल चिन भी गायब है और हर एक कपड़ा उसको ढीला होने लगा है और हम दोनों का वेट लूज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मेरा भी एक साइज छोटा हो गया है, मेरा भी वेट बढ़ रहा है। और जब इनके पापा नहीं होते ना तो ये फुल मस्ती के मूड में होते हैं और फुल इनका मैगी शैगी पास्ता। अभी मैगी खा रहा है, मैं पास्ता खा रही हूँ, मेरे को पास्ता खाना। और मैं न्यूज़ली ज्यादा मैगी, मैगी ना पता नहीं ज्यादा जंक हो जाता है, पास्ता इतना जंक नहीं है, ऐसे इतना पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं पता चल रहा है, ये सारा फैट अंकल का सब। ये टी-शर्ट में तो एक टाइम पे मतलब पूरा हाथ पे टाइट होती थी, अभी ढीली हो गई है मेरे को। एंड मेरा फेस भी छोटा हो गया है काफी, मुझे खुद को महसूस हो रहा है। एंड मेरा आई थिंक 8 to 9 केजीज कम हो गया है। यस, मैंने ना एक्चुअली वेइंग मशीन तोड़ दी एक दिन गुस्से में। ये बात नहीं बता रही ये, इससे अभी कुछ दिन पहले इसने कुछ मेरे साथ गड़बड़ करी थी और मम्मी ने वेइंग मशीन जाके वाह वाह मैंने तोड़ा। वेइंग मशीन से सच में आप डिमोटिवेट होते हो और मैं इसे बहुत दिन से मना कर रही थी कि तू वेइंग मशीन पे। मैं इसका रीजन बताती हूँ, बिकॉज वेइंग मशीन पे कर करके मैं हर रोज देख के ना ऐसे अरे यार डाउन फील होती थी, ग्राम कम हुआ, वेट फिर से बढ़ गया। लाइक कभी भी थोड़ा बहुत खाने में ऐसा वैसा हो जाता है तो वेट बढ़ जाता है कभी बार, और या तो पानी ज्यादा पी लिया हो तो भी बढ़ जाता है वेट, कभी भी बढ़ जाता है कभी भी घट जाता है। इससे मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि तू वेइंग मशीन को यूज करना बंद कर दे, सिर्फ अपना कर्म कर, जो करना है वो कर, जहाँ पे फोकस करना है एक साथ ही करना एक साल के बाद। सुन के नहीं दे रही थी, उस दिन बहाने से गुस्सा आया मुझे और मैंने तोड़ डाला वेइंग मशीन और दोबारा मंगा के नहीं दिया इसे। तो अभी इसको काफी अच्छा फील हो रहा है और ये She's on the way to the journey of weight loss. और जैसे हो जाएगा फिर बताएंगे हमने क्या क्या किया था। मैं भी कर रही हूँ उसके साथ साथ, और बस मेरा ये ना ये मेरा बहुत बढ़ गया, ये इसके लिए मुझे एक्सरसाइज ये बता रही है। धीरे धीरे मम्मा का होगा, वो शायद से होता है। नहीं एडिटिंग की वजह से ऐसे होता है ना, एडिटिंग पूरा छुप के करना पड़ता है इसलिए इकट्ठा हो गया। एक्चुअली मेरी डबल चिन क्यों नहीं दिखती, बिकॉज मेरा फेस ही गोल है, मम्मी का फेस ओवल होता है ना जिसका फेस, तो वहाँ पे डबल चिन लगी रहती है, इसलिए आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी कि मेरा फेस गोल है, इसे डबल चिन दिखती नहीं है। बट वैसे ही मेरी भी कम हो गई, काफी कम हो गई। अब हेटर्स आके बहुत कुछ लिखेंगे, अरे कहाँ कम हुआ है, ये तो इतनी की इतनी लग रही है। मैं कमेंट और नहीं वाली, किसी ने हमें पता है क्या लिखा है नैनीताल के ब्लॉग पे, हाथी फैमिली, थैंक यू। अरे हाथी चलता रहता है, कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है अपनी मस्ती, नहीं ध्यान देता हाथी अपनी मस्तानी चाल में चलता रहता है। वो एक स्टोरी भी आई थी हमें जिसमें हाथी चल रहा है उसको बर्ड्स परेशान कर रहे हैं, उसको डॉग्स परेशान कर रहे हैं, उसमें भोंक रहे हैं, बट वो अपना चाल चल रहा है। इनके पापा नहीं होते ना तो ये लोग घर के ना राजा बन जाते हैं, ये राजा और वो ये प्रिंस और वो प्रिंसेस, और फिर ये वो करते हैं जो इनका मन करता है, क्योंकि विवेक ना ये सब इनको बिल्कुल नहीं खाने देते और अच्छी बात है, दैट्स अ गुड हैबिट। और मैंने खाना भी छोड़ दिया, तो आज अभी अपने लिए मैगी बना रहा है, प्रिशा बना रही है अपने लिए पास्ता, और फिर प्रिशा बाद में मेरे लिए बनाएगी क्या, मैंने खाना छोड़ दिया ना मम्मी। यस यस प्रिशा लेफ्ट ऑल दिस, ये मैगी वगैरह मैगी से हेट होती है, हाँ आई डोंट लाइक मैगी एट ऑल अब सच में। ये लड़का आज सैटरडे है बाय द वे, आज है 28th of September। Yes. और विवेक जी जो हैं वो गांधीनगर में हैं, उनका वीडियो कॉल आ गया है। नवसारी का आजकल नवसारी का वेदर बहुत अजीब हो चुका है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ऐसे ही लग रहा है सूखी लग रहा है, पता चला सूप खाते मिले। ओके पता है कौन से वाले हैं बना रही हो तुम, ये अब लोग ये बोलेंगे कि ये तो डाइट करिए पतली हो रही है और ये कर रही है। तो गाइस आपको भी पता है अब दिवाली में बहुत ही कम दिन बचे हैं क्योंकि नवरात्रे तो ऑलरेडी चल रहे हैं। ये मेरा एक दूसरा टी शर्ट और पैंट था, दोनों मैंने ट्राई किए, कैसे लग रहे हैं बताना, आपके कमेंट्स मुझे चाहिए। वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वेस्टर्न कम पहनती हूँ ना, अच्छा लग रहा था मुझे। और हाँ तो मैं आपको कह रही थी कि मुझे ना अब टेंशन बहुत हो रहा है, मतलब कैसे सब क्या होगा, बाप रे कैसे होगा ये सब इतने दिनों में, क्योंकि दिवाली बहुत नज़दीक आ गई है और मेरी सफाइयाँ थोड़ी मतलब आगे का रूम तो हमने गणपति में कर लिया था लेकिन बाकी का घर बाकी है, और भाभी चूँकि काम छोड़ चुकी हैं और अब जो मेरी नई हाउस हेल्प हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे घर हैं, वो बस आती हैं एक डेढ़ घंटे में झाड़ू पोछा बर्तन करके निकल जाती हैं। तो अब मुझे बहुत टेंशन होने लगी है, क्या होगा कैसे मैं करूँगी, क्योंकि प्रिशा के भी एग्ज़ाम वगैरह चलते रहते हैं और अकेले नहीं कर पाऊँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ रात को स्टार्ट करूँ, मतलब एवरी डे नाइट को थोड़ा सा टाइम निकाल के ना फिर हम थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू करते हैं, एक डेढ़ वीक में पूरी कर लेंगे, करवा चौथ से पहले करवा चौथ भी आ रहा है तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है, एनिवर्सरी भी आ रही है हमारी, गैस करके बताओ कौन सी डेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।